नमस्कार, आप सभी का खबर एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को डेंगू का मुद्दा उठा। भाजपा ने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने स्थगन प्रस्ताव की प्रति बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उस पर बहस कराने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा कक्ष के अंदर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी से बयान देने की मांग की। उसके बाद भाजपा के विधायक विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट कर गए। आज के हाउस से एडजमेंट मोशन करते दिए आलोचना करते देोधी दल नेता हिसाब से अध्यक्ष के अनुरोध कर स्वास्थ्यमंत्री तो आसें ना हाउसे स्वास्थ्य दफ्तर को प्रश्न उत्तर है अंत सरकार पक्षे जेको मंत्री विज्ञप्ति दिए की मेजर तारा नहीं जानते चेल आज के डेंगू नहीं मंत्री प्रस्ताव आज जेने গতকাল মুখ্যমন্ত্রী তিন মাস পরে তার ঘুম ভেঙেছে একটা রিভিউ মিটিং করেছে। আমরা দাবি করেছিলাম যে হাউসে বিবৃতি অন্তত সরকার দিক আলোচনা না করলেও কিন্তু সরকার কোনো কথা শুনতে নারাজ। অধ্যক্ষ মহোদয় অতএব এখানে আলোচনা হবে না। স্বাভাবিকভাবে আমরা হাউসে বিক্ষোভ দেখিয়েছি, আমাদের সকলের বুকে মশার শিকার ছিল আর আমরা স্লোগান দিতে দিতে বাইরে এসে ভিতরের যে আমাদের আওয়াজ বা বক্তব্য আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার জনগণকে জানাতে চাই। 2017 সালের পরে এই প্রথম 1 লক্ষের কাছাকাছি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং শিলিগুড়ি সবচেয়ে ভালনারেবল পয়েন্ট হয়েছে। डॉक्टर सी वी आनंद बोस कल बंगाल के राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। आज वे कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता पहुंचने पर मंत्री फिरहाद हकीम ने उनका स्वागत किया। संक्राइल तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नाम पर संक्राइल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि 14 नवंबर को शुभेंदु अधिकारी को व्हाट्सएप पर संक्राइल की एक कॉलेज छात्रा ने मैसेज किया था, लेकिन जो जवाब शुभेंदु अधिकारी ने उसको दिया वह छात्रा को अश्लील और भद्दी लगी। छात्रा का मानना है कि शुभेंदु ने जो टिप्पणी की है वह आमतौर पर अश्लील है, जिसके मद्देनजर तृणमूल नेतृत्व ने आज संक्राइल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस दौरान मौजूद थी संक्राइल विधायक प्रिया पाल, हावड़ा जिला युवा अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, संक्राइल ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष नसीमा काजी और अन्य तृणमूल नेता। ये मेटा कॉलेजे पढ़े একদম বাচ্চা মেয়ে, সে জানতে চেয়েছে দাদা কেমন আছো, ভালো আছো, এইটুকুনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে এত বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে যে যেটা মুখে বলা যায় না। सोमवार की रात सागरदीघी थाने की एंटी क्राइम टीम व पुलिस के मोरो ग्राम स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर छापेमारी कर युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान डब्रू शेख के रूप में की गई है। काल के रात्रि हमारे एक और भालो सफल हो जेखने हमारा मोर ग्राम मोड़ जो आखान प्रिवियस सोर्स इनफरमेशन हिसाब से नाका चेकिंग बसाई সেখানে আমরা দুজন লোককে ডিটেন করি অন সাসপিশিয়াস হিসাবে, যে অ্যান্টি ক্রাইম টিম ছিল লেড বাই সাব ইন্সপেক্টর অভিজিৎ সরকার, এএসআই সুমন পাল, পিএসআই প্রভাস, সঙ্গে দুজন কনস্টেবল। তারা তাদেরকে আটকায়, যখন ওদেরকে সার্চ করে তখন তাদের কাছ থেকে আমরা মোট 5টা আর্মস, 5টা কার্তুস আমরা রিকভারি করি। একটা লোক যার বাড়ি হচ্ছে লালগোলা থানায়, যার নাম তাবারুক শেখ, তাকে আমরা আটক করতে পেরেছি। আব রুখ কর লেতে হ্যায় দেশ আর বিদেশ কি খবরো কি ওর। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने कोर्ट में अपनी गुनाह कबूल कर ली है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफताब ने जज के सामने बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए थे। इसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान आफताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी जो उसने किया वो बिना सोचे समझे गुस्से में किया। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।